हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजाइनर जंक्शन। मैं सचिन आज लेकर आ गया हूँ फिर से एक नई क्लास इंटीरियर की, जिसमें हम आगे इंटीरियर का क्लास कंटिन्यू करेंगे। ये एक बेडरूम हमने कंप्लीट कर लिया है, इधर भी ये बेडरूम कंप्लीट कर लिया है। लास्ट हमने इस बेडरूम को रेंडर किया था, तो ये दो बेडरूम इधर इधर हमने कंप्लीट कर लिए। ये ड्राइंग रूम कंप्लीट कर लिया जिसमें डाइनिंग सोफा वगैरह हमने लगाया था, सबसे फर्स्ट क्लास था ये। तो ये तीन चीज़ें लगभग कंप्लीट हो गई है। अभी आज हम नया ये बेडरूम, एक नया बेडरूम बनाने जा रहे हैं। इस बेडरूम का मॉडलिंग करेंगे, कैसे हम मॉडल्स बनाना, तो आप प्लेलिस्ट है तो वहाँ से आप सीख सकते हो। चैनल पे जाओ, चैनल पे प्लेलिस्ट में मॉडलिंग का प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप मॉडल बनाना। मेनली मैं जो इसमें बता रहा हूँ, इसमें मैं डाउनलोड करके यूज कर रहा हूँ, टेक्चर्स कर रहा हूँ, लाइटिंग कर रहा हूँ। तो मॉडल्स अब करने बैठूँ तो ना जाने कितना सारा एपिसोड हो जाए इसी एक उसका लेआउट का। तो अभी चलिए हम फिर से इसका लेआउटिंग करते हैं। इसमें सोफ़ा वगैरह, बेड, ये सब लगाते हैं, सब कुछ सेट करते हैं इस रूम का, एंड देन लाइटिंग वगैरह करके रेंडर निकालेंगे। तो आज तो लाइटिंग नहीं हो पाएगा, इस रूम का लाइटिंग हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी सब कुछ सेट कर लेने का, मॉडल वगैरह इस रूम में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पे हमने यहाँ से ये कुछ इस एक फाइल में मैंने कुछ चीज़ें इस रूम के लिए सेट कर ली है, तो उसे हम यहाँ पे ऐसा कुछ मर्ज करते हैं जो हमारे हमें इस रूम में यूज करना है, जैसे बेड वगैरह, यहाँ टीवी यूनिट वगैरह। तो ये सब चीज़ें अभी हम लगाएंगे। यहाँ पे मैंने इसे मर्ज कर लिया, एंड मर्ज करने के बाद यहाँ पे मैं इसे ऐसा कुछ सेट करके रखते हैं सर साइड में। इसे हमने यहाँ साइड में ले लिया है। अब हम इसमें से जैसे ये विंडो वगैरह, ये इसका यूज नहीं है, इसे हटा लेता हूँ मैं। एंड देन सबसे पहले हम इस बेड को यहाँ से मूव करके ऐसा कुछ, इस बेड को मूव करके तो यहाँ पे हम इसे ऐसा कुछ सेट करेंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ इसे सेट कर लेंगे यहाँ पे बीच में, एंड ये हमारा ऐसा कुछ सेट हो गया। नीचे से देख ले हम कि परफेक्ट जा रहा है, ठीक है। तो ये हमने ऐसा कुछ सेट कर लिया। इसके पीछे का भी ये टेक्सचर जो लेदर का वो है, उसे भी हमने अभी लगा लिया है। बाद में इसे हम सीलिंग के अकॉर्डिंग सेट करेंगे, हालांकि फॉल्स सीलिंग इसके आसपास आ ही जाएगा, फिर भी थोड़ा बहुत जो भी होगा FFT के थ्रू हम FFT यूज करके उसको ठीक करेंगे, सेट करेंगे। एंड बाकी अगर हम देखें तो यहाँ पे, यहाँ इस तरफ अलमीरा है, तो उसके लिए हम ये कर सकते, इसे हाइड कर लेते हैं ताकि हमें कुछ अगर ज़रूरत पड़े तो यहाँ से भी हम यूज कर लें। तो ये अलमीरा हम क्यों ना इसी को यूज कर दें, हालांकि वो अभी रेंडर में नहीं दिखेगा, मैं रेंडर इस साइड से निकालूंगा। अच्छा, इस वाले में भी मैंने बोला था कि अपोजिट साइड से इधर से एक रेंडर निकालने का। चलिए नेक्स्ट क्लास में मैं इसके साथ कोशिश करूंगा एक बार और इसे निकालने का। फिलहाल हम इसे इसी रूम पर आज मॉडलिंग करते हैं। तो सिर्फ आपको दिखाऊंगा इधर से कि इसका कैसा इस तरफ का व्यू आएगा, आप कैसे सेट कर सकते हो। हालांकि मैंने सेट तो किया था, कैमरा लगा हुआ है, बस रेंडर नहीं किया है मैंने, एक तरफ का इस कैमरे से रेंडर किया था। तो चलिए इसको, अभी हमने ये सब कर लिया, इधर गेट लगा हुआ है। अच्छा हाँ, इधर एक चीज़ है कि जब भी आप इंटीरियर कर रहे हो तो गेट कोशिश करो सिमिलर देने का, शायद ही कभी कभी चेंज होता है। बाकी चीज़ें आप फ्लोरिंग हर रूम का अलग कर सकते हो, गेट लगभग सिमिलर ही होता है ज़्यादातर हर रूम का, हर तरफ गेट सिमिलर देते हैं। बहुत कम होता है कि गेट हम चेंज कर दें, कुछ चीज़ें सिमिलर ही जाती हैं 90%, एंड कुछ चीज़ें ही चेंज होती है। जैसे इंटीरियर रूम के अंदर की चीज़ें हम चेंज कर देंगे, लेकिन ये सब चीज़ें, अगर यहाँ पे गेट चेंज रहे, यहाँ अलग रहे, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो गेट हम सिमिलर ही देते हैं, कोशिश करते हैं सिमिलर गेट दें। तो अभी हमने यहाँ पे ऐसा कुछ बेड यूज कर लिया,
अच्छा फ्लोरिंग अभी जैसे इसमें हमने बाकी सब में तो एक जैसा जा रहा है, यहाँ पे हमने वुडन कर दिया था अलग, इसमें चाहे इसमें भी हम अलग कर सकते हैं, फ्लोरिंग अलग आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये हो गया। अच्छा ओके, एंड इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ चीज़ें रह गई हैं, तो मुझे चाहिए कि क्यों ना मैं उन चीज़ों को मैं अंडू कर दूँ थोड़ा, और इसके साथ जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे, हाँ अब ठीक है, ये कुछ चीज़ें ओके। तो बैक साइड में जो ये है इसको मैं ग्रुप कर देता हूँ, क्योंकि ये ग्रुप नहीं है इसलिए ऐसा हुआ, तो इसे मैं कर लेता हूँ ग्रुप, थोड़ा सा जूम करके इसे देन। अब हम इसे मूव करके लाते हैं। एंड देन यहाँ पे हम इसे सेट करेंगे। लेआउट से बेड हमारा थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, कोई बात नहीं है, उससे कोई इशू नहीं है। यहाँ पे अब हम देख सकते हैं ऐसा कुछ। उसके बाद जैसा कि ये विंडो है तो हम सेम इसी को यहाँ पे एंड ये जो साइड में ग्लास का होता है ब्लैक पैनल वगैरह, मेटल का भी होता है, मेटल का ही होता है ज़्यादातर, या वुडन भी लोग सेट करवा लेते हैं। तो ये अभी हम इसमें पार्टीशन नहीं देंगे, जैसा कि इसमें है ब्लैक पार्टीशन, इसमें हम कुछ नहीं देने वाले, इसमें नॉर्मल फिक्स होगा सिर्फ एक ग्लास। तो ये हो गया, एंड देन इसी में से इस ग्लास को ही, अच्छा ये इसमें ग्लास मर्ज है, कोई नहीं, इसको आप एक तो यहाँ बना सकते हो इसको कॉपी करके भी, कोई ना, जैसे ये से मैंने किया कॉपी। अच्छा ओके, ये पॉली में हो रखा है, कोई बात नहीं। और दूसरा, ताकि मुझे सेटिंग भी किया हुआ मिल जाए, ऑलरेडी ये सिमिलर सेम, यहाँ से आप जाओ FFT को कर दो डिलीट, एंड यहाँ से आप ओपन ग्लास को इधर साइड में निकाल लो, एंड बाकी सारी चीजों को डिलीट कर दो। ये आपका ग्लास यहाँ पे है, कभी भी ऐसा अचानक से आ जाए तो आप यहाँ पे एक बार ऐसा कुछ क्लिक कर दो, देन दोबारा यहाँ पे आ जाओ, ये ठीक हो जाएगा पीवट। एंड देन ये देखो F4 कर दोगे तो आपका ग्लास का लाइन दिख जाएगा, इसे सेलेक्ट करो ताकि आप फ्रंट व्यू से इसको फ्रंट व्यू में जाके इसे इसे यहाँ पे सेट कर सको। ये देखिए ऐसा कुछ आप इसमें यहाँ पे आप इसको देन मैं इसे थोड़ा सा मूव करूंगा, ये देखिए इसके अंदर ये ग्लास सेट हो गया। अच्छा कोशिश करना है ना ये ग्लास के कभी भी इस लाइन के अंदर ना जाए, जब भी आप ग्लास बना रहे हो तो आप कोशिश करो कि ये चीज़ जैसे ये इसके अंदर रहे, तो वो ग्लास का एज दिखता है प्रॉपर, एक जो ग्लास का जो ये एज जो दिखता है वो आपको सीन को और रियलिस्टिक बनाता है। तो आपको कोशिश करना है कि 5.95 अगर मैं कर दूं, 5.93, देन नीचे से देखता हूं, नाइन टू, हाँ अब ठीक है। तो इस तरह से ये एज से अंदर अगर आप ऐसे रखते हो तो वो ज़्यादा रियलिस्टिक आपका दिखता है।
इसको अब मैं यहाँ से ऐसा कुछ ग्रुप कर दूंगा, एंड ग्रुप करके मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ, एंड इसे ऐसा कुछ यहाँ मूव करके लाना है, एक्सट्रूड हटा देना है, एंड देन यहाँ से एक्सट्रूड हटाकर इसे ऐसा कुछ इसमें थिकनेस देना है, मान लो मैं अभी 1 इंच बाय 1 इंच का दे रहा हूँ, और इसको मैं इसको मैं सेम ऐसा ही वुड कलर या ब्लैक ऐसा कुछ यहाँ से आप ऐसा कुछ पिक कर लो, एंड वो आराम से मैं इसे अप्लाई कर दूँ। तो ऐसा भी किया जा सकता है, ये ऐसा कुछ, एंड ये जो है आपका क्लास इसके अंदर ऐसा कुछ सेट होगा। अब अगर आप जूम करके देखो तो ऐसा कुछ इसके अंदर ये सेट हो जाएगा। ये यहाँ पे क्योंकि मैंने स्केल कर दिया तो इस तरफ एक्सट्रूड ज्यादा कर रहा है, इस तरफ सही नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ। ये आपको काफ़ी डिटेलिंग की चीज़ें अभी सीखने को मिल गई, उसे हटा देता हूँ, एंड देन मैं इसे कन्वर्ट टू स्प्लाइन करने के बाद मैं इसे, क्योंकि मैंने एक्सट्रूड कर दिया तो इसलिए वैसा प्रॉब्लम हो रहा था, मैं यहाँ से आउटलाइन के थ्रू आउटलाइन दूंगा इसको 1 इंच का ऐसा कुछ, और उसमें भी ये देखिए आउटलाइन अगर मैं यहाँ से देता हूँ, ये देखिए ऐसा कुछ, डबल हो गया था, कोई नहीं। अब जैसे कि मैं 1 इंच का आउटलाइन देता हूँ तो भी ये प्रॉब्लम आएगा, लेकिन अब मेरे हम आसानी से इसे ठीक कर सकते हैं। और वो कैसे, मैं अंदर वाले को ऐसे पकड़ के लाइन को, और ऐसा कुछ मैनुअली आप वर्टेक्स को ऐसा कुछ मैनुअली अंदर बाहर कर सकते हो। ये देखिए आपको, आपने क्या किया, 1 इंच को मुझे चाहिए था तो मैंने ऐसा एज को पकड़ा और ऐसा कुछ अंदर की तरफ कर लिया। तो अब मेरे हाथों में हम जैसा चाहे इसे जितना चाहे उतना, देखिए हम इसे सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से अब इसे हम क्लोज कर देते हैं, ये बन गया। अब ये एक जैसा सिमिलर ओके मटेरियल फिर से मुझे उस पर डालना पड़ेगा, तो यहाँ से इसे हम ओपन ये स्प्लाइन जो हमने अभी आउटलाइन दिया उसके ऊपर एक्सट्रूड भी तो करना होगा। एक इंच का क्लोज, तो ये हमारा विंडो बन के रेडी, ये बन गया, एंड परफेक्ट विंडो का ग्लास हमने फिट कर दिया। यहाँ पे गेट है तो हम यहाँ पे गेट सेम यही
जो हमने दिया है इसको यहाँ से ऐसा कुछ कॉपी करना है, या आप एक वो भी कर सकते हो, जब आप कॉपी कर रहे हो तो यहाँ पे रेफरेंस इंस्टेंस या रेफरेंस जरूर कर दो। ये देखिए ऐसा कुछ। तो यहाँ पे अब जैसे कि ऊपर ये ज़्यादा हो रहा है, इधर साइड में ये वुडन इसका साइड का ये कम निकल रहा है एक्सट्रूड वाला पार्ट, तो मैं इसे आराम से एडिटेबल पॉली मेस कर रखा है ऐसा कुछ जाके, एंड जो मॉडिफायर हमने एडिटेबल मेस कर रखा है यहाँ पे ऐसा कुछ, इसे मैं मूव कर दूंगा ऐसा कुछ, मैं मूव करूँगा ये देखिए ऐसा कुछ ऊपर का फील करने के लिए। इसी को भी आप ले सकते हो सेम भी, ये सिंपल चीज है इसलिए हेवी पॉली तो है नहीं, नॉर्मल बॉक्स सेल, तो इसे आप ऐसा ही रहने दो। अभी मैं इसे ऐसा ही रहने देता हूँ, थोड़ा सा स्केल वगैरह करना है तो अगर मन करे तो ऐसा कुछ। एंड यहाँ इसके लिए भी इसको आप कॉपी कर लो ऐसा कुछ, एंड एक्सट्रूड स्केल करके इसे सेट कर लो। तो ये रहा, यहाँ पे आपने सब कुछ गेट भी लगा दिया, ये सेट कर दिया, एंड इस तरफ ये गेट लगा हुआ है ऑलरेडी। इधर अगर हम देखें तो गेट ऑलरेडी लगा हुआ है, बाकी चीज़ें अब इसमें रूम में सेट करना है हमें। ऐसा कुछ मूव करके हम देखेंगे, एंड चलिए अब हम यहाँ से इस बार ये सैंडलेयर भी यूज करेंगे सीलिंग में, ताकि आपको क्लियर हो कि सैंडलेयर वगैरह कैसे यूज करना है। अभी हम इस साइड लैंप को यूज, साइड टेबल और साथ में लैंप ये यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे बेड के, अच्छा इसे हम ऐसा रोटेट करेंगे यहाँ पे लगाएंगे, बट जो हमारा ये टेबल जा रहा है ये अकॉर्डिंग टू इस बेड, यहाँ पे जो लेआउट कैड में अगर आप देखो तो जो बन रहा है छोटा सा, बहुत छोटा सा दिया है, तो लेकिन कोई नहीं फिलहाल हम सेट कर देते हैं क्योंकि हमारे पास जगह है। तो हम ऐसा कुछ, अच्छा इसको हम चाहे तो आपको आइडिया हो, मैंने इसे पहले यूज भी किया है यहाँ पे भी हालांकि लगा हुआ है, हम चाहे तो इसे कोई बड़ी बात नहीं है आराम से ऐसा कुछ इधर FFD के थ्रू ना आराम से मैं छोटा कर दूँ। ये देखिए कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ से जाऊँ मैं और ऐसा कुछ इसे छोटा कर दूँ जितना चाहूँ, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आसानी से ये छोटा हो जाएगा ऐसा कुछ। अच्छा यहाँ पे ये दिख नहीं रहा है, फिर से वही बात, FF4 करोगे ये देखिए सब कुछ है, वो ग्लास का है तो ग्लास आपको दिख नहीं रहा है इसलिए ट्रांसपेरेंट हो रहा है। तो ये चीज़ है, अब हमें हमने बेड वगैरह साइड टेबल सेट किया, चलिए अभी आपको रखना है, चलिए कोई नहीं ऐसा ही छोड़ दो, नहीं तो थोड़ा सा आप चाहो ऐसे निकला रहने दो, कोई इशू नहीं, ठीक लग रहा है। अब यहाँ पे हम आते हैं एंड बाकी चीज़ों में एक और हम यहाँ से टीवी यूनिट मान लो ऐसा कुछ, टीवी का मॉडल, टीवी यूनिट हम थोड़ा सा ऐसा कुछ देने वाले हैं इस बार। ये तरीका आपको अपने आप अपने लिए भी बनाओगे काफ़ी फास्ट कर देगा आपके काम को। अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हो टीवी यूनिट के बगल में ये क्या है, ये स्टडी टेबल है, स्टडी टेबल इस तरह से आप साइड में यहाँ पे बैठ के अपने रूम में आराम से आप पढ़ाई कर सकते हो। स्टडी टेबल भी आजकल रूम के अंदर दिया जाता है, डिपेंड करता है सब कुछ।
तो फिलहाल हम इन चीज़ों को डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमारे सुन सीन में अभी इसका कोई ज़रूरत नहीं है। इसको भी हटा देता हूँ, अब इन चीज़ों का ज़रूरत हमें नहीं है। तो इसको हम सिर्फ अब यूज करने वाले हैं। ऐसा कुछ सेलेक्ट करेंगे, इधर मूव करके देख लेते हैं कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा। एंड देन ये कप वगैरह सब रहने देते हैं। चलिए इसे हम आप चाहो आराम से ऐसे कुछ ग्रुप भी कर दो फिलहाल के लिए। एंड ग्रुप करने के बाद आप यहाँ पे ऐसा कुछ रोटेट करो, रोटेट करके यहाँ पे ऐसा कुछ सेट कर दो। और ये मुझे लगता है परफेक्ट हमारे सीन में सेट बैठ गया, और मैं उसी के हिसाब से लाया भी था सच बताऊँ तो, क्योंकि ये सीन ना इसमें बैठ जाएगा आराम से। तो उसके लिए आप ऐसा कुछ मॉडल्स चुन सेलेक्ट कर सकते हो अपने इंटीरियर के लिए, चाहे वो टीवी अलग अलग भी सेलेक्ट कर सकते हो। हर एक मॉडल टीवी यूनिट बेड्स आप जब भी अपने कोई सीन बना रहे हो उसके लिए आराम से ढूंढते हो। अगर आप मॉडलिंग करने का मन नहीं है, मॉडल बनाने में तो टाइम लग जाता है, तो आप चुनते हो आराम से टाइम देखे कि कौन सा बेटर रहेगा हमारे रूम के लिए। तो इस तरह से इसमें ये सेट आ गया यहाँ पे, और परफेक्ट सेट आ गया, कहीं कोई इशू नहीं है। अब मैं इसे रहने देता हूँ। अच्छा थोड़ा सा अगर इसके अंदर जा रहा है तो अब बस एज पे ऐसा कुछ लगाइए। तो ये आ गया, थोड़ा सा ऐसा कुछ निकल रहा है, कोई भी नहीं। अब अगर आप ओवरऑल देखें स्पेस है जाने आने के लिए भी, यहाँ पे स्पेस है, कारपेट वगैरह है, तो आप चाहो तो कारपेट रखो ऐसा, नहीं तो चेंज कर दो। जैसा कि यहाँ पे हमने ओरेंज चेंज कर रखा है, आप चाहो तो कारपेट का सेम रखो। आपको अगर मेनली डिपेंड करता है सब कुछ क्लाइंट्स के ऊपर कि, या जो इंटीरियर डिज़ाइनर जो लोग जो कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं उनके ऊपर, वो आपको क्या कहते हैं। हो सकता है उनको अच्छा लग जाए, आप जो लगा रहे हो तो बेटर है, वो अगर चाहे तो चेंज करने को तो आपको चेंज करने को बोल सकते हैं। तो वो कैसे आप, हालांकि ये जो जो लोग जानते हैं अच्छे से, जिनको उतना आइडिया नहीं है उनके लिए बता रहा हूँ, नहीं तो जो जानते हैं उनके लिए तो 2 मिनट का काम है। यहाँ पे आप जाते हो एक किसी भी मटेरियल पे, बस आपको पिक कर लेना है वो चीज़, बस कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आपको टेक्चर्स को चेंज करना, आपको अगर मान लो इसे चेंज करना है, आराम से यहाँ पे जाओगे और जो भी चेंज करना है, मान लो फिलहाल के लिए मुझे ये बोला जाता है चेंज करने को, मुझे कोई और टेक्चर या कुछ कारपेट का वो दिया जाता है, लीजिए मैंने चेंज कर दिया बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो यहाँ से आपको बस ऐसा कुछ किसी पे भी टाइल है कुछ भी है कि नहीं यह पसंद नहीं आ रहा है इसे चेंज कर दो, तो ऐसा कुछ आप चाहोगे यहाँ पे जाओगे और यहाँ से आप आराम से कोई भी दूसरा जो भी कारपेट का, हजारों कारपेट होते हैं अलग अलग तरह के इंटीरियर्स के लिए, तो जो भी बोला जाएगा वो ऐसा कुछ करके आप लगा दोगे। मेनली अभी जो हम आपको कॉन्सेप्ट बनाने का एक तरीका 3D में क्लियर कर रहे हैं बस। तो ये रहा, ऐसा कुछ करके आप ऐसा सेट कर दो चीज़ों को, सब सेट हो गया है। एंड अब हम जैसे इधर साइड में अलमीरा, मैंने डाउनलोड नहीं किया तो मैं, क्योंकि सेम ही चाहता हूँ, ये सब चीज़ें लगभग सेम होती है, बहुत कभी कभी चेंज भी होता है, ऐसा नहीं है कि सेम ही होता है, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक। तो चलिए हमने ऐसा कुछ यहाँ पे ये सेट कर दिया ये अलमीरा। हालांकि अभी जो मैं इधर से कैमरा सेट करूँगा लगाऊंगा तो उधर में तो दिखना भी नहीं है, अपोजिट साइड वाले में दिखेगा। अब मुझे इसको छोटा करना है, तो ये लीजिए FFD के थ्रू। हालांकि FFD से छोटा करने पे क्या होता है, हर चीज़ आपका, आप चाहो तो इतना यहाँ से कट भी कर सकते हो, मतलब एक पल्ला उड़ा ही सकते हो कि एक है ही नहीं, बस तीन ही इसमें वो ड्रॉर है, ये साइड का एक हटा सकते हो। तो वो डिपेंड करता है, तो डिपेंड करता है अगर ऐसे मैंने किया, अगर ये ठीक लग रहा है, बहुत ज़्यादा बहुत पतला नहीं हुआ है, मतलब 1.5 से 2 फीट के बीच में ये चलता है, तो 1 फीट भी डिपेंड करता है, एक थोड़ा सा कम हो जाता है बट 1.5 से 2 के बीच में। तो अभी हम अगर देख लें, मान लो हम साइज देख लें, जब भी ऐसा कुछ कन्फ्यूजन हो प्रॉब्लम हो तो आप ऐसा कुछ करके एक साइज देख लो। ठीक है, ये देखो 1.5 फीट ये जा रहा है, 1.5 से थोड़ा सा, परफेक्ट है, कहीं कोई इशू नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। अच्छा ये भी एक तरीका है देखने का, अपने चीज़ों को सेट कर रहे हो उसको यहाँ से भी आप कर सकते हो। मैंने हालांकि इसके ऊपर एक क्लास भी बना के डाला है कि साइज कैसे आप चेक करोगे। ठीक है, यहाँ से जाओ,
नहीं, यहाँ से टेप भी होता है ऐसा कुछ, आप इस टेप के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। लीजिए टेप भी ऐसा कुछ करके आप देख सकते हो स्पेसिफाई। तो अब मैं इसे बढ़ाऊंगा ऐसा, ये देखिए 1.8 फीट, 8.5 या 8 फीट जो भी आप, ये देखिए ऐसा कुछ ये जा रहा है, मतलब अप्रोक्स 2 फीट से थोड़ा कम है। तो डिपेंड करता है इतना आपको चाहिए नहीं चाहिए, कितना साइज चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो। एक को गायब भी कर सकते हो एडिट करके, एडिट भी कर सकते हो जैसा आप चाहो। तो ये है अभी फिलहाल। एंड अब हम अगर लेआउट्स को टॉप से देखें तो क्या बच रहा है हमें, यहाँ पे एक सोफा सेट करना है। अच्छा सा, तो यहाँ पे सोफा सेट करने के लिए मेरे पास पहले से एक सोफा यहाँ पड़ा है, तो इसको हम चाहें तो आराम से यूज कर सकते हैं। इस चीज को भी कभी कभी होता है कि लेआउट में तो लगा गया है लेकिन नहीं, रूम में मुझे एक कॉर्नर में ये चाहिए ऐसा कुछ, तो आप ये भी सेट कर सकते हो। चलिए फिलहाल मैं सोफा सेट करता हूँ यहाँ पे, देखते हैं दोनों करके देखते हैं। अच्छा एक और चीज़ ये, हालांकि मैंने अलग अलग क्लासेस में बता रखा है, जैसे ये अभी जो मैं सोफा कर रहा हूँ ये 3 सीटर है, लेकिन आपको चाहिए यार इसी 3 सीटर को मैं 2 सीटर बना देना है, तो वो जुगाड़ भी मैंने आपको हालांकि बता रखा है कि आप ये चीज़ कैसे करोगे। यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ जाओगे, यहाँ से आप सिमेट्री यूज करोगे एंड इसके थ्रू यहाँ क्लिक करके, ये देखिए। तो अब हमें यहाँ पे ऐसा कुछ, आप मिरर पे भी क्लिक कर दोगे। अच्छा ओके, कुछ नहीं हो रहा है, चलो यहाँ से देखते हैं सिमेट्री। अच्छा ऐसा कुछ हो गया, मुझे इसी डायरेक्शन में जाना है। थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम कर रहा था, अब जाके अभी देखिए ये बहुत लंबा हो गया, बहुत ज़्यादा स्केल कर दिया हमने। ओके तो ये कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, तो ऐसा कभी कभी होता है। यहाँ से आप सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये जा रहा है, रेड वाले से ये प्रॉब्लम कर रहा है अभी, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, होता नहीं है कभी भी। मैं यहाँ से ऐसा करूँ आराम से आप हो जाता है, बट अभी ये मतलब देखा हूँ मैं, ध्यान दे रहा हूँ मैं, यहाँ से आप ये कर रहा हूँ ऐसा कुछ, देखिए ये सेंटर से कर रहा हूँ तो ये जा रहा है। हालांकि ऐसा बहुत कम, पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ। कोई नहीं, चलिए इसी बहाने एक आपको भी कुछ नया चीज़ पता चला, कुछ सीखने को मिला। यहाँ से आप अगर इसे सेलेक्ट कर रहे हो इस सेंटर से, तो ये सिमेट्री आप 3 को 2 या 5 या 6 जितना सीटर चाहो बना दो। अभी हमने इसे 2 सीटर का बना दिया, एक 3 सीटर सोफा 2 सीटर बन गया बिकॉज ऑफ सिमेट्री। तो सिमेट्री का आप यूज करके इस तरह से आप किसी भी चीज़ को मॉडिफाई कर सकते हो, और इस तरह से आपको नई नई चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी, जैसे आप अभी नई चीज़ सीखे हो। तो एंड देन आप यहाँ पे, चलिए ये इसका साइज छोटा है मैं इतना बड़ा लगा देता हूँ, या अगर आपको इसको एकदम एग्जैक्ट उसी साइज में लगाना है तो हाइट वाइज तो हम इसे नहीं कुछ कर सकते हैं, क्योंकि 1.5 फीट, अच्छा चेक कर ले हम 1.5 फीट है ना, या साइज ज़्यादा तो नहीं जा रहा है। कभी भी जो आपको अगर नहीं मालूम है तो बता दूं कि ये जो सीटिंग, जो बैठने का जगह होता है, वो चाहे वो सोफा हो बेड हो, हर चीज़ का 1.5 फीट स्टैंडर्ड साइज होता है। 1.5 फीट से ज़्यादा या कम तभी आपको करना है जब आपको बोला जाए, नहीं तो जो स्टैंडर्ड जो 99% जो होता है वो आपको 1.5 फीट यानी 18 इंच, ठीक है, यानी 450 mm यही आपका चलता है, ठीक है। एमएम में 450 mm, 1.5 फीट, ठीक है, 18 इंच, यही है आपका 1.5 फीट साइज जो सीटिंग का, ये स्टैंडर्ड यहाँ तक, और ये उतना ही है, परफेक्ट है ये, तो ये हमेशा बरकरार रहता है। हाइट वाइज बिल्कुल यही रहेगा, इसमें हम कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। हाँ अब जैसे मुझे
मैंने बताया कि लेआउट के अकॉर्डिंग मुझे सेट करना, अगर इस लेआउट के अकॉर्डिंग मैं जाऊं तो इस लेआउट के अकॉर्डिंग मैं जाऊं तो अगर आप देखो यहाँ पे जिसने भी कैड बनाया उसने क्या किया, सीटिंग का जगह दिया। अच्छा, मैं ना टेप बहुत कम यूज करता हूँ, मुझे आदत है ऐसा इस तरह से, तो उसने ना 1.7 या 1.8 ऐसा कुछ दिया, 1.8 बाई 1.8, ठीक है, फिट का स्पेस दिया है एक आदमी को बैठने के लिए। यहाँ पे मैं देखूँ तो बहुत ज़्यादा है, मेरे वाले में तो मेरे वाले में 2 फीट से भी ज़्यादा जा रहा है, 2.2 जा रहा है, उससे भी ज़्यादा, 2.3 नहीं 2.4 ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये 2.5 फीट के प्रोस, 2.5 तो नहीं लेकिन 2 से ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। ये भी अगर आप बाजू को भी देखो तो इससे ज़्यादा है। तो अभी यहाँ पे क्या है, हमें हाइट को नहीं छेड़ना है, हाइट मेरा सेम रहेगा इस सोफे का, लेकिन मैं मॉडिफायर यूज कर सकता हूँ यहाँ पे ये FFD मुझे बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। ये FFD के थ्रू अब आप इस, जैसे इस कॉर्नर पे आपने सेट कर दिया, अब FFD के थ्रू जब आप इसे छोटा कर रहे हो तो ये देखिए एग्जैक्ट उस तरह से बनता जा रहा है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैं अगर ज़्यादा ही रखूँ इस तरफ कॉर्नर पे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो वैसे भी मुझे छोटा लग रहा है एज अगर सोफा के हिसाब से देखा जाए तो एंड देन ऐसा कुछ, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने हाइट को कुछ नहीं किया, हाइट मेरा वैसे का वैसा है, ठीक है। जो ये सीटिंग का जो, एक सेकेंड, तो अभी अब देखिए, अब ये सीटिंग यहाँ, इसका सीटिंग जो इस सीटिंग का है वो 1.5 फीट ही है, ये जो भी जा रहा होगा 3 2.5 से 3 वही है। हाइट वाइज हमने कुछ भी नहीं किया, बस हमने लेंथ और विड्थ को चेंज करके लेआउट के अकॉर्डिंग कर दिया। तो ये है, अगर आप, अब जरूरी नहीं है इतना खाली स्पेस है, थोड़ा सा आप अच्छा हो तो इधर मूव कर सकते हो, इतना है थोड़ा, इससे सोफा बड़ा भी हो तो यहाँ पे आराम से सेट बैठ जाए। तो ये है, इस तरह से हमने सोफा यूज कर लिया। अच्छा, जो लोग ये सोच रहे हो ये क्या है, ये है वीरे फर, तो इसमें फर यूज हो रखा है इसलिए ऐसा कुछ ये दिख रहा है। फर नहीं होता तो ये प्लेन प्लेन वीरे प्लेन जैसा, ये कुछ तो ये वीरे प्लेन होता है, ऐसा कुछ जो यहाँ पे दिख रहा है वो नहीं दिखता, वो वीरे फर यूज हो रखा है। जहाँ पे भी फर आप यूज करते हो, देखिए वीरे फर लिखा हुआ रहा है, तो ये आता है। तो चलिए हम इसके ऊपर भी एक क्लास बना देंगे, वीरे फर कैसे आप किसी चीज़ पे यूज, हालांकि कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आसानी से आप समझ जाओगे, मैं बता दूंगा एक क्लास, लेकिन फिलहाल के लिए ये है, सेट हो गया सब कुछ हमारे रूम में। अब हम नेक्स्ट क्लास में, एक हमारा बस फ्लोरिंग बच रहा है, तो आप अभी इन चीज़ों को, और देन लाइटिंग के टाइम पे हम ये चीज़ें लगाएंगे, यहाँ पे साइड में कर्टेन भी एक दे सकते हैं। तो ये कर्टेन, तो ये तो बहुत लंबे जहाँ पे होता है वहाँ यूज, यहाँ इसी तरह का ये सिंपल कर्टेन एक आ जाएगा एक साइड पे बस। एंड देन ये है, यहाँ पेंटिंग वगैरह कुछ लगा सकते हैं अच्छा सा, इस वॉल पे एक पेंटिंग लगाएंगे। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में टेक्चरिंग और ये एक दो चीज़ें रह रही है, जैसे यहाँ पेंटिंग लगाना और यहाँ पे, अच्छा पेंटिंग की जगह पे मैं पेंटिंग फिलहाल यही वाला लगा देता हूँ जो यहाँ पे हमने यूज कर रखा है, एंड इसी को मैं फिलहाल कॉपी कर लेता हूँ, खाली वॉल अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको मैं ऐसा कुछ कॉपी कर लेता हूँ, एंड मैं नेक्स्ट क्लास में यहाँ पेंटिंग चेंज कर दूंगा, सिर्फ सेम पेंटिंग नहीं रखूंगा, चेंज कर दूंगा, या सेम भी रखूँ आपको तो मेनली सीखने से मतलब है, आप जैसा चाहो वैसा पेंटिंग लगाओ, डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए। हाइट अभी जैसे यहाँ पेंटिंग है, अभी मैंने यहाँ लाया गेट से ऊपर जा रहा है, तो ये कभी नहीं होना चाहिए, हमेशा ये बराबर में होना चाहिए, ठीक है। ये जो आप पेंटिंग लगाओगे तो ये गेट के साथ हाइट से ऊपर नहीं जाना चाहिए, नीचे आप भले ही रखो, इस तरह से ऊपर निकला हुआ और लगता है, और वो लग भी रहा था, तो ये ऐसा कुछ बराबर में और ये सेंटर में ऐसा कुछ होना चाहिए, ये देखिए ऐसा कुछ, कोई बैठे भी तो यहाँ तक उसका सर आए, उसके ऊपर, सर के ऊपर यहाँ पेंटिंग दिखे इस तरह से, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरह से साइज का, चीज़ों का को ध्यान रखना होता है हर चीज़ को। एंड हम फिलहाल ये लगा दिए हैं यहाँ पे पेंटिंग, खाली खाली लग रहा था, यहाँ भी वॉल थोड़ा सा खाली खाली सा लग रहा है, तो चलिए फिलहाल इतना ही। एंड ये सब हो गया, कर्टेन है तो एक, चलिए आपको मैं ये कर्टेन भी कर दूँ, सिर्फ मेरा फ्लोरिंग बचेगा, तो इसी में से फिलहाल हम इसी कर्टेन को यूज करेंगे। अभी हम सिर्फ ये करेंगे कि इस कर्टेन में मुझे सिर्फ ये एक ही यूज करना है, इतना ज़्यादा का ज़रूरत है नहीं यहाँ पे, तो मुझे सिर्फ एक सिंगल कर्टेन यूज करना है यहाँ पे। और वो
वह भी FFD के थ्रू मैं इसे थोड़ा और छोटा कर दूंगा, ऐसा कुछ। बाकी सीलिंग देंगे अभी तो। तो हमें अब नेक्स्ट हमें फ्लोरिंग और मेनली सीलिंग पे काम करना है, और एक फ्लोरिंग सीलिंग और इस वॉल पे हम थोड़ा सा क्या कर सकते हैं बस ये देखना है, देन हम लाइटिंग वगैरह करेंगे। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चीज़ों को। जिनको भी क्लास अच्छा लगा है, अच्छा लग रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है इस ट्यूटोरियल से, वो लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, एंड बाकियों को बताइए वहाँ से अगर अच्छा लगता है तो यहाँ से सीख सके। एंड कोई भी कमेंट है तो कोई भी क्वेरी है, कुछ भी है पूछना है, चाहे वो टिप्स हो कुछ भी हो, आप कमेंट कर सकते हैं। आपको मैं हो सकता है ट्यूटोरियल बना दूँ, या लाइव क्लास संडे को रहता है 10 बजे ऑनली, तो उसमें मैं उन चीज़ों को क्लियर कर दूँ। कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।